स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। पत्नी और तीन बच्चों के रहते हुए दूसरी शादीशुदा दो बच्चों की मां से संबंध रखने के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के एक वर्ष बाद पति को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को देख पति तीन तल्ला से कूदकर भागने की फिराक में अपना पैर तोड़वा लिया। घटना मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र की। पीड़िता के अनुसार घटना मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के अनुसार यास्मीन परवीन उलीडी थाना अंतर्गत रोड नंबर 14 डिमना बस्ती के रहने वाली है। 2014 में आजाद नगर रोड नंबर 6 के रहने वाले शाहिद अख्तर उर्फ काली सोनू के साथ उसका निकाह हुआ था। उसके तीन बच्चे हैं। पति शाहिद अख्तर एक वर्ष से उसके पड़ोस में रहने वाली खुशनुमा परवीन जो दो बच्चे की मां है उसके साथ प्रेम जाल में फंसकर उसी के साथ रहने लगा। इसका विरोध करने पर वह अपने पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था, जिसको लेकर एक वर्ष पूर्व पत्नी ने पति और महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर पुलिस लगातार शाहिद अख्तर उर्फ काली सोनू को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। अंततः शनिवार को पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी आजाद नगर थाना क्षेत्र के कोहिनूर अपार्टमेंट के दूसरी तल्ला में मौजूद है। जब पकड़ने गई तो शाहिद अख्तर भागकर छत को चढ़ गया और भागने के क्रम में तीन तल्ला छत से कूद पड़ा, जिसमें वह घायल हो गया है, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंची है। इधर घायल शाहिद अख्तर ने पुलिस पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे छत के ऊपर से पुलिस ने ही धक्का देकर गिरा दिया, जिसमें वह चोटिल हो गया। फिलहाल पुलिस इलाज कराने के बाद कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज देगी। हाँ? पुलिस की वजह से लगा। कैसे, क्या किया पुलिस? हाँ? की वजह से फ्रैक्चर हुआ, मेरा पैर टूटा है। हाँ, तो मतलब क्या पुलिस मारी है, क्या हुआ? पुलिस हमें घर से अरेस्ट कर लिया। फिर तो पैर कैसे फ्रैक्चर हुआ? इसी में उसमें लगा पूरा। नहीं तो ठीक है, पुलिस अरेस्ट करने आपके पास आई तो फ्रैक्चर कैसे हुआ? पैर फेंक दिया गया मुझसे। हाँ, ठगेल दिया गया। कहाँ से? हाँ, छत के ऊपर से। तो कह के लिए अरेस्ट करने का, एक लिए अरेस्ट करने का, एक लिए आए थे। पुलिस क्यों आई? वाइफ का मैटर में केस था, वाइफ केस करी थी, उसके लिए आए। तो उसको अरेस्ट करने आया था, छत में चढ़ गए। तो पुलिस भी छत में आकर आपको ठेल दी कि आप कूद गए थे? नहीं, कूदे नहीं, ठेल दी। वहाँ से पकड़ा पकड़ी में गिर गए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहिद। क्या विवाद है पत्नी से? पत्नी से केस करी है लड़की का चक्कर लेके, शादी करे। आप कुछ काम करते हैं? जी हाँ। क्या काम? गाड़ी चलता। यही मामला है कि हम केस करे थे और मेरे सोहर इधर उधर भाग रहे थे डर से कि पकड़े नहीं बोल के, और हमको बहुत मारते पीटते थे और हमको छोड़े नहीं, दूसरा औरत के साथ में रह रहे। और अभी तो पकड़ा गए तो वो लड़की हमको बोल रही है, औरत कि शादी से जो औरत है वो बोल रही है कि तुमको तो सोनू देख लेगा, निकलने तो देख, सबको देख लेगा सोनू। मतलब हमको वो टॉर्चर कर रही है कि निकलने के बाद तेरा मर्डर करवाएंगे बोलते। और हाँ, मेरा तीन तीन बच्चा है, देखिए तीन तीन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो हमको छोड़ दूसरा कैसे कर लेगा बताइए। तो कब केस किए थे आप? कब केस किए थे आप? एक साल हो गया, इस साल भर हो गया है। अच्छा, तो पकड़ने कब आई थी पुलिस? पकड़ने आज सुबह पकड़ाया है। कहाँ से? वहाँ से पुलिया रोड एक लंबर कोनू टावर का बगल में रहता था। तो चोट कैसे लगा? चोट लगा कि भागने में, भाग रहे थे पर साथ पुलिस को देख के उसी में कूदे ना सर, तो पैर उसका कहाँ से फ्रैक्चर हो गया, छत से कूदा देख के भाग रहे थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम यास्मीन परवीन। और पति का? पति का शाहिद। कितना दिन से चक्कर चल रहा है उनका? हो रहा है, मतलब साल भर हो रहा है। तो आपको छोड़ उसी के साथ रहता है? उसी के साथ में भी रह रहे हैं। और वो लड़की बोलती तेरा आदमी मेरे साथ नहीं रहता। और जब खोज खबर करते हैं तो साथ ही में निकलता है उसका। और वो लड़की उल्टा मेरे को मारने उठती है, उल्टा मेरे से लड़ती झगड़ती है। बताइए, बोलती छीन के दिखाना हमको सोनू को। बताइए, मेरे आदमी को मेरा छीन लिया, मेरे को उल्टा बोलती छीन के दिखाना। बताइए, मेरे को इंसाफ चाहिए बस। तो आपको अरेंज मैरिज हुआ था ना आप लोग का? जी। तो फिर मारपीट क्यों करता है? मारपीट दूसरे के लिए? जी, दूसरा औरत के लिए। वो औरत बोलती है कि मार तुम अपने बेटी को छोड़वाओ बोल के, ये मेरा बच्चा हो गया, इसको छुआ तक का नहीं। बताइए, हम नमक खा कैसे कैसे खा के दिन को पार करे कि जाने में शुगर जगह बोल के। तो आपके सास ससुर है ना? जी, मेरा सास ससुर सब साथ में है, मेरे सास ससुर सब साथ में है। उसे पति का साथ देता है? नहीं, मेरा साथ है। लेकिन वो बेटा उन लोगों का बात नहीं मानता? नहीं, उनका भी बात नहीं सुनता, घर वाला किसी का बात नहीं सुनता। ऊपर से मार धार करता है, ईटा पत्थर चलाता है, बाप भाई सब कुछ चलाता है। क्या काम करता हूँ? वो गाड़ी चलाता है। खबरों में
फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।